हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था, जैसे कर्णप्लाज्म थ्योरी, जैसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, और हमने देखे थे डिफरेंट सेल साइज एंड शेप्स। तो आज की वीडियो को हम उससे आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। देखिए, जितने भी डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी में है। कुछ एक आध पॉइंट ऐसे हैं जो नीट में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से बाहर हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहला है, प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि न्यूक्लियोलस का वर्क क्या होता है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूक्लियोलस का वर्क क्या होता है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। आगे की बात करते हैं, सेल साइज जो होता है प्रोकैरियोट्स का, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। ये लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल साइज था, आप लोगों को पता है, मैंने बताया है, 3 to 5 माइक्रोमीटर तक था। जबकि यूकैरियोट्स के केस में जो सेल साइज है वो काफी बड़ा हो सकता है, जैसे 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। उसके बाद में, चूंकि इनका सेल साइज छोटा है, तो इनमें जो डिवीजन है वो बहुत ज्यादा रैपिडली होता है। जैसे बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया 30 मिनट में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, है ना, जबकि ह्यूमंस में डिवीजन के लिए 24 आवर्स लगते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें बेटा डिवीजन जो होता है वो रैपिडली होता है, जबकि यूकैरियोट्स में डिवीजन लेस रैपिडली होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। बेटा डीएनए की एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। आपने नहीं पढ़ा तो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। डीएनए की जो हिस्टोन प्रोटीन है प्रोकैरियोट्स के केस में वो एब्सेंट होती है, और डीएनए जो उनका होता है वो सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में लीनियर डीएनए होता है और उसके पास में डीएनए जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। कभी कभार यहाँ पे विदाउट हिस्टोन प्रोटीन की जगह पे लिखा आता है कि नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो नेकेड डीएनए का भी मतलब यही है कि वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं है। आगे की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में जो अमाउंट होता है डीएनए का वो काफ़ी कम होता है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में जो अमाउंट है डीएनए का बेटा वो हाई होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके, तो आगे के डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं हम लोग। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, और यूकैरियोट्स के केस में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखिए बेटा, एक जो सेल होता है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और उन सेल ऑर्गेनल्स में ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल या डबल मेम्ब्रेन, एक लेयर पाई जाती है, ठीक है ना। तो जिनमें वो लेयर पाई जाती है उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, और जिनमें वो लेयर एब्सेंट होती हैं उनको हम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के केस में बेटा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स के केस में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होते हैं। आगे की बात करते हैं यहाँ पे राइबोसोम। बेटा राइबोसोम एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है, और वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। वैसे तो राइबोसोम के बहुत सारे टाइप होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन नीट के लिए और आपके 11th के लिए सफिशियंट है। राइबोसोम दो तरह का होता है, एक होता है 70S टाइप और एक होता है 80S टाइप।
तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है बेटा वो 80S वाला होता है, ठीक है ना। अब 70S को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है लार्जर सब यूनिट, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। तो जो 70S वाला है बेटा उसकी लार्जर सब यूनिट है 50S की और स्मॉलर सब यूनिट है 30S की, जबकि जो यूकैरियोट्स वाला जो राइबोसोम होता है उसकी लार्जर सब यूनिट है 60S की और स्मॉलर सब यूनिट है 40S की। अब इसको जोड़ना नहीं है, जैसे 50 और 30 80 हो गया तो आप सोचो कि सर ने गलत लिख दिया है, नहीं इसको जोड़ना नहीं है, इसका हम क्या करेंगे ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप इतना जानिए कि जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स के केस में वो 70S वाला है और यूकैरियोट्स के केस में 80S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब प्रोकैरियोट्स के केस में कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं होता जो रेस्पायरेशन कर सके, ठीक है ना। तो जो रेस्पायरेशन होता है बेटा वो प्रोकैरियोट्स के केस में होता है मीजोसोम के थ्रू। मीजोसोम एक जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग होती है, उसको हम मीजोसोम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तो जो रेस्पायरेशन होता है बेटा वो किसके थ्रू होता है, मीजोसोम के थ्रू होता है, क्योंकि जो रेस्पायरेटरी एंजाइम्स हैं वो बेटा यहाँ पे इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोट्स के केस में जो जो रेस्पायरेशन है बेटा वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कहीं पे भी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, तो आरएनए के बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही जो क्रियाएं हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। अब चूंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रोकैरियोट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी को पता है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जबकि यूकैरियोट्स में फंजाई, एल्गी, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो सब किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए जी डिफरेंसेस पढ़ते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में। आप जानते हैं जो प्लांट सेल होती हैं बेटा वो लार्ज होती हैं साइज में, जबकि एनिमल सेल बेटा स्मॉलर होती हैं साइज में। जो प्लांट सेल है वो लार्ज होती है और वो अपना शेप को जो है वो चेंज नहीं करती, जबकि एनिमल सेल अलग अलग शेप की हो सकती हैं, अपने शेप को चेंज कर सकती हैं। सेल वॉल, वैक्यूल, प्लास्टिड एंड क्लोरोफिल। सेल वॉल, वैक्यूल, प्लास्टिड एंड क्लोरोफिल जो प्लांट सेल है बेटा उसमें प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल, वैक्यूल, प्लास्टिड और क्लोरोफिल नॉर्मली एब्सेंट होता है। यहाँ पे कभी कभार एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। देखिए प्लांट में जो वैक्यूल हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, जबकि अगर एनिमल में या तो वैक्यूल एब्सेंट होगा और अगर वैक्यूल प्रेजेंट होता भी है तो बहुत छोटे साइज का होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो प्लांट है बेटा जो फूड को वो रिजर्व कर रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में कर रहा है, जबकि एनिमल के केस में रिजर्व फूड मटेरियल होता है ग्लाइकोजन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनिमल के केस में रिजर्व फूड मटेरियल बेटा किसके फॉर्म में है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में है, जबकि प्लांट के केस में स्टार्च के फॉर्म में है। आगे बात करते हैं, फिर मैंने जैसा कहा था जो बेटा वैक्यूल है
वो कैसी होती है प्लांट के केस में? लार्ज होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है प्लांट के केस में, और जबकि एनिमल के केस में या तो वैक्यूल एब्सेंट होती है, और अगर वैक्यूल प्रेजेंट भी है तो उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। आगे देखते हैं यहां पे। तो अभी तक हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं प्लांट एंड एनिमल सेल में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। अब हम लोग कुछ क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करते हैं जिनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में और इलेवेंथ में, वो कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशंस की। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मान लीजिए एक सेल है, और उस सेल के पास में तीन मेन चीजें होती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या? पहली है सेल कवरिंग, दूसरा है बेटा साइटोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियस। जो एक सेल में हम मेन चीजें पढ़ते हैं, सेल कवरिंग, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो सेल कवरिंग है वो दो हमने पढ़ी हैं बहुत मेन, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरी है सेल वॉल। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। साइटोप्लाज्म में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? एक तो होता है बेटा साइटोसोल, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, दूसरा कंपोनेंट होते हैं बेटा सेल ऑर्गेनल्स, और तीसरा है बेटा इंक्लूजन बॉडीज, है ना, इंक्लूजन बॉडीज। अब ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं बेटा? ये रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ये डेड कंपोनेंट होते हैं सेल के, जैसे ग्लाइकोजन, ग्रेन्यूल्स, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, है ना। अब जो ये सेल ऑर्गनल है, यहां से देखिए, ये सेल ऑर्गनल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जितने भी सेल ऑर्गनल हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो उनमें मेम्ब्रेन होगी या उनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो पहला है बेटा मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे सेल ऑर्गनल जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये क्या है, मेम्ब्रेन लेस। तो आपके कोर्स में जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गनल हैं वो मेनली दो हैं, पहला राइबोसोम और दूसरा है बेटा सेंट्रियोल। बाकी जो आते रहेंगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। एक्चुअली में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नीट एग्जाम में, किस में मेम्ब्रेन होती है, किस में नहीं होती है, और अगर मेम्ब्रेन है तो किस में सिंगल है, किस में डबल है। तो ये क्लासिफिकेशन उन चीज़ों को क्लियर करेगा। तो जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गनल है मेनली वो है राइबोसोम और सेंट्रियोल। इसके बाद में जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सबके पास में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर कोई भी सेल ऑर्गनल के पास में मेम्ब्रेन है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होगी और या फिर उसमें डबल मेम्ब्रेन होगी। अब जो डबल मेम्ब्रेन वाले हैं वो मेनली देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, प्लास्टिड के बहुत सारे टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट।
तो प्लास्टिड जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और न्यूक्लियस भी यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। इसके बाद में आपके मन में जो कुछ भी आता है वो सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके मन में आया, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल एक्सेट्रा। जो भी सेल ऑर्गेनल है बेटा वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हैं। तो मेम्ब्रेन लेस कौन से हैं मेनली? राइबोसोम एंड सेंट्रियोल, बाकी सब मेम्ब्रेन बाउंड। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, उसको पढ़ने से पहले हम लोग जरा नजर डालते हैं। मान लीजिए हमने प्लांट सेल ली है, सर हमने ली है एक प्लांट सेल, है ना, और इस प्लांट सेल के पास में एक सेल वॉल होगी। इस प्लांट सेल के पास में बेटा एक सेल वॉल होगी, और आप जानते हो कि प्लांट सेल में सेल वॉल के साथ साथ एक पतली सी एक मेम्ब्रेन और होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसमें एक न्यूक्लियस होगा, यह है आपका न्यूक्लियस, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होंगे, ठीक है ना, और बहुत सारा इसमें मैट्रिक्स भरा होगा। अब इनके टर्मिनोलॉजी के ऊपर एक क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। जैसे एक ये सेल है, एक ये प्लांट सेल है हमारे पास में, तो इस प्लांट सेल के पास में सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, और क्या है, बहुत सारा मैट्रिक्स है। तो अगर इस प्लांट सेल में से हमने सबसे पहले सेल वॉल को रिमूव कर दिया, यानी कि जो ये सेल वॉल है इसको हमने रिमूव कर दिया। तो देखिए सर, जब हम इस सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास में क्या क्या बचेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी, न्यूक्लियस बचेगा, सेल ऑर्गेनल्स बचेंगे, मैट्रिक्स बचेगा। तो ये जो अब जो बचा है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। कई बार डिफरेंस आता है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, तो आज ये आप लोग समझ जाएंगे। तो जो अगर एक प्लांट सेल है उसमें से हमने सेल वॉल को हटाया तो जो कुछ स्ट्रक्चर बचता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट में से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा दिया, इस प्रोटोप्लास्ट से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी रिमूव कर दिया। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी रिमूव कर दिया जाए, तो जब हम इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियस बचा, सेल ऑर्गेनल्स बचे, मैट्रिक्स बचा। तो जो कुछ भी हमारे पास बचता है उसको हम बेटा बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म में से मान लीजिए हमने हटा दिया है न्यूक्लियस, उस प्रोटोप्लाज्म में से हमने न्यूक्लियस हटा दिया। अब जो कुछ भी हमारे पास बचा उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। जो कुछ भी हमारे पास बचा उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में से हमने हटा दिए हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स हटाने के बाद में अब हमारे पास जो कुछ बचता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल और मैट्रिक्स, ठीक है ना।
तो जो अलग अलग टर्म है, प्रोटोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, या प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, या साइटोसॉल क्या है, अब आपको ये सारे टर्म अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।